नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बुंदेलखंड के जोनल कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार ने शीतल कुशवाहा को माधोगढ़ विधानसभा सीट से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। प्रत्याशी का नाम घोषित होते ही कई चेहरों पर मायूसी थी तो कहीं खुशी के आंसू। बसपा अपने पूरे दमखम के साथ बुंदेलखंड में फिर से अपनी धमक छोड़ना चाहती है। बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। वहीं बसपा ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा के बाद चुनावी मैदान में रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जालौन की 3 सीटों में से जिले की माधोगढ़ विधानसभा सीट से बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार ने बसपा के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान शीतल कुशवाहा के नाम की घोषणा की है। आज जनपद जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट से आज हमारा उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। उस सम्मेलन में माननीय बहन जी के दिशा निर्देशन पर 2019 माधोगढ़ विधानसभा सीट से हमने आज इंजीनियर शीतल कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी प्रभारी अधिकृत किया है। उसी संबंध में आज ये बैठक बुलाई गई। 2 सीटें और बाकी हैं, इनकी घोषणा कब होगी, जल्दी होगी? आज हमारी जनपद जालौन में 3 विधानसभा हैं, माधोगढ़, कालपी और उरई, उसमें एक की आज हमने घोषणा कर दी है। जल्दी कालपी और उरई की हम लोग बहुत ही जल्दी वहां से भी प्रत्याशी घोषित कर दी जाएगी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? तो मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा जो पहला मुद्दा होगा और आपके उसके लिए, तो मैं सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सड़कों में रूप से फोकस करूँगी। और सेकंड मेरा फोकस रहेगा नारी सशक्तिकरण पर, महिलाओं को स्वरोजगार पर, जिससे कि हमारी महिलाएं अगर स्वरोजगार उन्हें अपने गाँव और घर में मिलेगा तो वो बाहर उनके पति या उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मेन फोकस उन लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना होगा। कानपुर में आखिर रात को मृतक मनीष की पत्नी ने अपने पति के शव का दाह संस्कार करने की अनुमति दे दी। उसने अपने सभी मांगों के साथ इस बात पर अनुमति दी है कि मनीष की हत्या की जांच SIT से कराई जाए और इन सभी मांग को आज वो मुख्यमंत्री से मिलकर कानपुर में रखेंगी। बता दें, अधिकारियों ने भी उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी, जबकि पहले वो मांग कर रही थी कि 50 लाख का मुआवजा और जब तक मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगी तब तक बॉडी को उठाने नहीं देंगी। इस बात को लेकर बुधवार को पूरे दिन कानपुर में बर्रा स्थित उनके घर पर हंगामा चलता रहा था। पुलिस कमिश्नर और DM सभी उनको समझाने में लगे रहे थे, मगर पीड़िता ने साफ कह दिया था कि पहले CM से मिलकर वो मांगे रखेंगी, फिर शव को जाने दिया जाएगा। लेकिन रात में परिजनों ने बैठक कर सारी मांगों के साथ SIT जांच और केस गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर किए जाने की मांग रखी और CM से मुलाकात पर राजी हो गई। का कहना था कि जिन्हों वो ऑन ड्यूटी है, सब लोग ऑन ड्यूटी में ऐसे नहीं होता है। पहले हम देखते हैं वो गुने उन हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है, जो जो प्रोसेस बताया था, बट पर हमें तो करना था क्योंकि मेरे पति की हत्या हुई थी। वो मुकदमा दाखिल नहीं कर रहे थे, ये उस समय का वीडियो है जब हमने उनमें से, उन्होंने कहा नाम हटा दीजिए, सिर्फ 2 का नाम दीजिए। हमने कहा नहीं, 3 का नाम हमें कंफर्म है, जो वहाँ से हमें पता चल रहा है रिकॉर्डिंग में है वो नाम, तो हम वो 3 नाम तो रखेंगे ही। बाकी जो 3 उनके साथ गए, उनका अज्ञात नाम उनका भी पता चल गया था कि साथ में 6 कौन गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं पता ना कि उन्होंने किया या नहीं, इसलिए आप छोड़ दीजिए, परिवार है। बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने अपनी पुलिस को बचाने की कोशिश करी, असलियत तो यही है। उन्होंने मेरे पति के इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया उन दोनों ने। वहाँ पे जो दोनों हैं वीडियो में, मैं भी नाम नहीं बोल पा रही, उनका पदवा नहीं बता पा रही,
क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन वो जो वीडियो में आप देख रहे हो, जो परिवार जनों के साथ बैठे थे, वो दोनों लोगों ने पुलिस का साथ दिया, मैं हमारा नहीं दिया। वहीं गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ताजा मामला थाना विजयनगर के माधोपुरा इलाके का है, जहां अज्ञात बदमाश ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी सूचना वहां से गुजर रही एक युवती ने पुलिस को दी। वहीं बीच सड़क पर हुई इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें, मामले में युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस अज्ञात बदमाश की छानबीन में जुट गई है। तो गाजियाबाद का पूरा मामला है, जहां पर अज्ञात बदमाश ने युवक को चाकू मार दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और ऐसे में युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यूपी में अपराध किस तरह लगातार बढ़ता जा रहा है और अपने चरम पर है, इस घटना से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से अज्ञात बदमाश ने युवक पर चाकू से वार किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के चाका गांव निवासी श्रीलोचना बशंकार ने आज पुलिस अधीक्षक कटनी से लिखित शिकायत करके अपने पति की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए आवेदन दिया और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, चाका निवासी अनिल वंशकार की बीते 11 सितंबर को मौत हुई थी। मामले में मृतक की पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पति ने गांव की महिला गोमती ठाकुर को 5,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन वापस मांगने पर महिला गुंडागर्दी करते हुए अपने 5 साथियों के साथ घर आई और उनके पति को लाठी डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस की माने तो यह एक्सीडेंट का मामला है और अब मृतक की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कराने की गुहार लगाई है। फिलहाल मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन संज्ञान लेते हुए जांच करने की बात कह रहे हैं। हमने गोमती ठाकुर को पैसे दिए थे 5,000 रुपए, पैसा मांगने के कारण उन्होंने ना देने के कारण विवाद बना लिया। विवाद लाठी डंडा लेके आ गए मारने के लिए। मेरे पति घर में अकेले थे, मैं मायके गई हुई थी और उन्होंने मेरे पति ने दरवाजे लगा लिए। जब लाठी डंडा देखा 10-12 लोगों को, तो उन्होंने दरवाजे लगा लिया था। फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं तो तू शाम को तो मिलवे करेगा, देख लेंगे तेरे को शाम को। तो ये दुकान गए हैं शाम को 5 बजे, फिर 7:30 बजे फोन आया कि इनका मर्डर हो गया है। वहीं लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र के मोहम्मदी रोड पर एक साइकिल और मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर एकत्रित ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी, पर काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं आई और काफी देर तक घटनास्थल पर ही घायल वहां पर पड़ा रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायल को CSC गोला ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर बाइक की टक्कर हो गई, जहां हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि बाइक सवार को गंभीर चोट लगी थी, लेकिन मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद वहीं पे ही घायल की मौत हो गई।
वहीं आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से बिजली के पावर हाउस में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर करीब एक दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर बिजली के पावर हाउस में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देख सकते हैं कितनी भीषण आग थी, तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसे में इस पूरी घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर बहुत देर बाद काबू पाया गया। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र में तीन अज्ञात लोग ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाते पकड़े गए हैं। ये लोग ताजमहल के प्रतिबंधित एरिया में ड्रोन उड़ा रहे थे। ताज की सुरक्षा टीमों ने अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही पुलिस अज्ञात लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है, साथ ही पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है पुलिस ने। हालांकि ताजमहल की सुरक्षा में सेंध लगाए जाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं अब पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए सभी को ड्रोन उड़ाने के मामले में पकड़ लिया है। साथ ही ड्रोन को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और आगे की छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि कौन ये लोग थे, क्यों ये वहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे थे। मेहताबाद में जो ताज व्यू पॉइंट बना है वहाँ पे तीन लोग सामने ड्रोन उड़ा रहे थे, तो पुलिस की नज़र उसको पड़ी और उसको फिर नीचे उतारा गया और उनको यहाँ थाने पर ला पूछताछ किया गया। इसमें ये मामला प्रकाश में आया है कि ये तीनों हैदराबाद के रहने वाले हैं, ये तीनों टूरिस्ट हैं और वो लोग वहाँ आए थे। उनके कथनानुसार वो लोग बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये लोग फ्लाइंग ड्रोन है, जस्ट अपना ड्रोन हवा में किया था तभी टॉर्च की निगाह उसको पड़ी और उसे नीचे उतार दिया गया। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और मेरी कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें ईडी की तरफ से जो टिकट अलाउड किया गया है सर, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था, क्या इसमें टूरिस्ट का फॉल्ट है या ईडी का फॉल्ट माना जाए? ये सब बिंदु बिंदु जाँच करेंगे। जो ईडी का टिकट है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या कंडीशन हैं, कितने समय के लिए दिया गया, इन सब तथ्यों पर जाँच करेंगे। तो प्राइमा फेसी में कुछ टूरिस्ट ये समझ में आ रहे हैं, बाकी जांच के बाद थैंक यू। वहीं मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के एक मंदिर में महिलाओं से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पूरा राधा कुंज छोटी परिक्रमा मार्ग से पहले गिरिराज पर्वत की तलहटी में पड़ने वाले गोकुल मंदिर का एक पूरा मामला है, जहां से श्रद्धालु महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ जैसा संगीन मामला सामने आया है। वहीं महिलाओं ने मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों पर ही छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप लगाते हुए मंदिर परिसर में काफी देर तक हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें श्रद्धालु महिला दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है, जिसने गोवर्धन थाने में लिखित तहरीर देकर मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों पर ही महिला श्रद्धालुओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया है। तो ये मथुरा का पूरा मामला है जहां पर मंदिर में महिला से छेड़खानी करने का आरोप महिला की तरफ से लगाया गया है। हालांकि महिला ने वहां पर मौजूद पुजारी और कर्मचारियों पर ही आरोप लगाया है, साथ ही थाने में तहरीर दे दी है, जिसके बाद पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। बता दें महिला दिल्ली की बताई जा रही है, वो वहां पर मथुरा में मंदिर में घूमने के लिए गई थी, जहां पर उस दौरान उसके साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत महिला की तरफ से दर्ज करा दी गई है। तो क्या मंदिर में आप दर्शन करने गए थे? मंदिर में दर्शन करने गए हैं। कार्रवाई करना चाहते हो? हम कब के हटेंगे? जबरदस्ती पैसे भी ले रहे हैं।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरह से महिला ने वहां के पुजारी और मंदिर के ही कर्मचारियों पर आरोप लगाया है, आखिर महिला के साथ मंदिर में क्या हुआ था? जी, जिस तरह से बता दूं मैं, गोवर्धन के गोकुल विराज जी महाराज का मंदिर है, जहां पर रोजाना हजारों लाखों भक्त जो तकमा करने आते हैं, वो दर्शन करने जाते हैं, और जिस तरह से महिलाओं का आरोप है कि वहां के जो पुजारी हैं वो लड़कियों को खींच रहे थे, उनके जो है गलत जगह पे हाथ डाल रहे थे या हाथ रख रहे थे और उनसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो ये वैसे तो देखा जाए तो बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि मंदिर में और श्रद्धालु लड़कियों के या महिलाओं के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये बड़ा जो है एक तरह से कहें तो संसार करने वाला घटना है। लेकिन जिसके बाद ये जब जैसे ये हंगामा हुआ जो भक्त जो है वो जो महिला है वो दिल्ली की बताए जा रहे हैं, सभी लोग दिल्ली के थे, और जिस तरह से इनके साथ काफी वहाँ पे हंगामा हुआ, इन्होंने फिर वहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने नारेबाजी भी की, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी और पुलिस ने मौके पर जाकर के वहाँ पे जब मंदिर को बंद करा दिया और मंदिर के साथ साथ वहाँ पे दो पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। लेकिन एक बात और, जिस तरह से जो महिला है उन्होंने पूरे मामले की तहरीर थाने में भी दे दी है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन जो मंदिर बिल्कुल सुरेश, लेकिन सुरेश जिस तरह से ये महिला आरोप लगा रही है, कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है, क्योंकि देखिए अब मथुरा का चाहे कोई भी मंदिर हो, वहां पर हर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इस तरह से कभी भी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई, और अगर सामने आई है इस तरह की घटना ये, तो वहां पर जरूर सीसीटीवी कैमरे भी मंदिर में लगे होंगे। जी, मैं आपको बता दूं यहाँ इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, और सीसीटीवी कैमरे अगर यहाँ होते तो सारी सच्चाई सामने आ जाती कि क्या महिला आरोप लगा रही है वो झूठा है, या जो पुजारी जो कह रहे हैं वो कि उस आरोप का खंडन कर रहे हैं वो झूठे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मंदिर के रिसीवर है उन्होंने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, और मंदिर में जितने भी जो कर्मचारी थे उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से मंदिर में जो आने वाली भक्त महिला श्रद्धालु हैं उनके साथ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और, अब जो है रिसीवर ने कहा है कि आगे से जो भी मंदिर में सेवाएं या कर्मचारी रखा जाएगा उन सबकी पहले जांच पड़ताल होगी, उनका जो है पुलिसिया रिकॉर्ड देखा जाएगा और उनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो देखी जाएगी कि आखिर किस मंशा के कैसे लोग हैं ये, क्या इनकी ऐसी कोई पीछे से इनकी पृष्ठभूमि है, क्या इनकी हिस्ट्री ऐसी है जो कहीं किस तरह की ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। अब पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मंदिर को फिलहाल अभी जिस तरह से जानकारी है कि बंद करा दिया गया था और पुलिस वहां तैनात कर दी गई। जी बिल्कुल सुरेश, क्या मंदिर को अभी तक नहीं खोला गया है? और क्या मैं यहां पर यह भी जानना चाहूंगी कि अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? जी, पुलिस अभी जो है एक तरह से देखा जाए तो जो श्रद्धालु महिला है उनकी तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज करने की बात थी, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जो रिसीवर है उन्होंने भी साफ कहा है कि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मंदिर के अंदर अगर इस तरह का कोई कृत्य किया है, मंदिर के अंदर अगर छेड़छाड़ किया, इस तरह की बस्तरों की कोई घटना हुई है, तो वो वाकई में मथुरा जैसी धर्म नगरी, गिरिराज जी महाराज जैसे, गोवर्धन जैसे स्थान, पवित्र धर्म स्थल को बदनाम करने की जो है साजिश है, और इस तरह से अगर कहीं कुछ होता है तो बड़ा ही शर्मनाक घटना है। इसको लेकर के रिसीवर ने भी पुलिस से कहा है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, और उसके बाद ही, क्योंकि मामला मंदिर से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा से और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो पूरे मामले की जांच पड़ताल होने के बाद ही ये मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि शायद दोपहर को कुछ ऐसी जानकारी आ रही थी कि कल से मंदिर बंद था, लेकिन रिसीवर के जब पहुंचे, जो रिसीवर है वहां से रमाकांत चतुर्वेदी वकील एडवोकेट जो है वो कोर्ट के रिसीवर, कोर्ट द्वारा रिसीवर वहां पे तैनात किए गए हैं, तो उन्होंने शायद जाके मंदिर को खुलवाया और उसके बाद सारे लोगों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। जी चलिए सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा का यह पूरा मामला है जहां पर महिला ने मंदिर के पुजारी और वहां के कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है, छेड़छाड़ और अभद्रता करने का आरोप महिला की तरफ से पुजारी पर लगाया गया है। गोरखपुर के होटल में कानपुर के व्यापारी की पुलिस द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृतक की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता के कानपुर स्थित निवास पहुंचकर उनसे भेंट की। वहीं कानपुर पुलिस अखिलेश यादव के पीड़िता से मिलने से पहले ही उनके आवास जा पहुंची और मृतक को
मृतका की पत्नी को सीएम योगी से मिलवाने के बहाने वहां से ले जाने की कोशिश करने लगी, जबकि सीएम योगी का कानपुर आगमन प्रोटोकॉल के हिसाब से दोपहर 1 बजे होना है, लेकिन ठीक ठाक 10:30 पर पुलिस मीनाक्षी के घर पर उनको लेने वहां पहुंच गई। व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये DM SP नहीं, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार के इशारे पे, जब DM SP से आप गलत काम कराओगे, जब DM SP से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे, इसीलिए ना SSP सस्पेंड हुए ना DM सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से FIR ना हो उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा, इसे जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है, ये लोग उन्नाव भी रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे CBI जांच हो, क्योंकि परिवार ने CBI जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें Class 2 या Class 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। सर कानपुर में ये दूसरी घटना है, संजीत अपहरण हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही से जांच के मौत हुई थी, उसके बाद जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम हो जाए। PM रिपोर्ट आई है, गंभीर चोट है, गंभीर चोट है, इसीलिए मैं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। स्वामी